हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वॉशरमैन इन द टाउन। वंस मींस एक बार, अ टाइम अ मींस एक, टाइम मींस समय, एक समय, एक समय की बात है। देयर लिव्ड, देयर मींस वहां, लिव्ड मींस रहता था। अ वॉशरमैन, अ मींस एक, वॉशरमैन मींस धोबी, एक धोबी रहता था। इन द टाउन, इन मींस में, टाउन का मतलब होता है शहर या फिर नगर। एक समय की बात है, नगर में एक धोबी रहता था। ही हैड टू पेट्स, अ डॉग एंड अ डोंकी। ही मींस उसके, हैड मींस पास था, टू मींस दो, पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर। अ डॉग अ मींस एक, डॉग मींस कुत्ता, एंड मींस और, अ डोंकी अ मींस एक, डोंकी मींस गधा। उसके पास दो पालतू जानवर, एक कुत्ता और एक गधा था। द डॉग यूज्ड टू कीप वॉच ऑन हिज हाउस द होल डे लॉन्ग। द डॉग, डॉग मींस कुत्ता, यूज्ड टू का मतलब होता है अभ्यस्त या किसी चीज को करना। कीप वॉच, कीप का मतलब होता है रखना, वॉच मींस ध्यान, ध्यान रखना या फिर निगरानी रखना या निगरानी करना। ऑन हिज हाउस, ऑन मींस पर, हिज मींस उसके, हाउस मींस घर, उसके घर पर, द होल डे लॉन्ग, होल मींस पूरे, डे मींस दिन और लॉन्ग मींस लंबे। होल डे लॉन्ग का मीनिंग होगा पूरे दिन। कुत्ता पूरे दिन उसके घर पर निगरानी रखता था। द डोंकी यूज्ड टू कैरी द वॉशरमैन्स लोड फ्रॉम द रिवर साइड। डोंकी मीन्स गधा, कैरी मीन्स ले जाना या ढोना। वॉशरमैन का मीनिंग होता है धोबी, अपोस्ट्रोफी एस मीन्स का, लोड मीन्स बोझ। फ्रॉम द रिवर साइड, फ्रॉम मीन्स से, द रिवर साइड, रिवर मीन्स नदी, साइड मीन्स किनारा, नदी के किनारे। गधा नदी किनारे से धोबी का बोझ ढोता था या बोझ ले जाता था। One night the washerman was sleeping soundly and a thief came into the house. The dog too was fast asleep. One night, one means एक, night means रात, washerman means धोबी, एक रात धोबी, was means था, sleeping means सोना, sleeping soundly का meaning होगा अच्छी तरह से सोना। एक रात धोबी अच्छी तरह से सो रहा था। And means और, a thief came into the house. A means एक, thief means चोर, एक चोर। चोर, came means आया, into means मैं। The house, house means घर, एक चोर घर में आया। The dog, dog means कुत्ता, to means भी, was means था, fast asleep एक तरह का मुहावरा है जिसका मतलब होता है घोड़े बेचकर सोना या फिर गहरी नींद में सोना। कुत्ता भी गहरी नींद में सो रहा था। So he did not bark at the thief. So means इसलिए, he means उसने, did not means नहीं किया, bark means भौंकना, at the thief, at means पर, thief means चोर, चोर पर, इसलिए उसने चोर पर नहीं भौंका। But the donkey was awake. But means लेकिन, donkey means गधा, was means था या रहा था, awake means जागना, लेकिन गधा जाग रहा था। He saw the thief. He means उसने, saw means देखा, thief means चोर, उसने चोर को देखा। And thought, and means और, thought means सोचा, और सोचा। To awaken his master, to means को, awaken means जगाना, his means उसके, master means मालिक। उसने चोर को देखा और उसके मालिक को जगाने का सोचा। So he began to bray loudly. So means इसलिए या तो, he means उसने, begin means शुरू करना, शुरू किया। To bray, to means से, bray means रेंकना या फिर चीखना, loudly means जोर जोर से। तो उसने जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया या चीखना शुरू कर दिया। The thief ran away in fear. Thief means चोर, ran away means भाग गया, in fear, fear means डर से, चोर डर के भाग गया। On listening the braying of the donkey, on means पर, listening means सुनना, सुनने पर, the braying of the donkey, braying means रेंकना, of means के, donkey means गधा, गधे के रेंकने की आवाज सुनने पर, the washerman, washerman means धोबी, could means सका, not means नहीं, sleep means सोना, धोबी नहीं सो सका। He came out. He means वह, came means आया, out means बाहर, वह बाहर आया, and means और, could not understand, could means सका, not means नहीं, understand का मतलब होता है समझना।
वह नहीं समझ सका why he was braying. Why means क्यों, he means वह, was means था, braying means रेंकना या चीखना. वह बाहर आया और वह नहीं समझ पाया कि वह क्यों रेंक रहा था. To make him quiet. To means के लिए, make means करना, करने के लिए, him means उसे, quiet means शांत, उसे शांत करने के लिए. He started beating the donkey. He means उसने, start means शुरू करना, शुरू किया, beating means पीटना, the donkey, donkey means गधा, उसने गधे को पीटना शुरू कर दिया. With a stick, with means से, a means एक, stick means डंडा, उसने गधे को एक डंडे से पीटना शुरू कर दिया. But the washer Washerman's house was saved. But means लेकिन, washerman means धोबी, apostrophe s means का, house means घर, धोबी का घर. Was saved, was means था, saved means बचना, बच गया था, लेकिन धोबी का घर बच गया था. So friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.